dear participants and judges. Today is the storytelling competition of class first and second. So let us welcome the judges, Nidhi ma'am and Sushma ma'am with roses. So let's begin our storytelling. Our first participant is from first test, Ivan Bhosle. My name is Ivan Bhosle. मैं कक्षा एक का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है भेड़िया और चरवाहा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक चरवाहा उसके माँ के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारे भेड़ थी। वो रोज उसके भेड़ को चराने लेकर जाता था जंगल में। वो रोज भेड़ काटता थी और चरवाहा बैठे बैठे उतर रहता अपने मनोरंजन करने के लिए। वो नए नए तरीके ढूंढता था। अभी उसने सोचा क्यों ना मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। उसके वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया भेड़िया। सब गांव वाले लाठी डंडे के साथ दौड़ कर आए। वो आए, उन्होंने कहा कि कहा भेड़िया तो नहीं है। उन्होंने चरवाहे को पूछा भेड़िया किधर गया। और चरवाहा पेट पर कर हंसने लगा, हा 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 हा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला गया। फिर एक आदमी ने बोला, हम हमारा कान उसोकर तुम्हारा मजाक करने आए और तुम हंसे हो। ऐसे बोलकर गांव वाले चले गए। चरवाहे ने ऐसे दो तीन बार किया, लेकिन चरवाहे को अक्कल नहीं आई। एक दिन सच में भेड़िया है चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया भेड़िया। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अभी शाम हो गई, चरवाहा घर नहीं लौटा। फिर सब गांव वाले उसको ढूंढने के लिए चले गए इस जंगल में। वो चरवाहा पेड़ पर बैठता था, रो रहा था। कैसे उसको गांव वालों ने चरवाहे को पेड़ से उतराया और घर ले चले। और चरवाहे ने माफी मांगी, बोला मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। झूठ बोलने बुरी बात रहती है। हमको पानी से ये सीख मिलती है, झूठ बोलने बुरी बात रहती है। किसने कभी झूठ ना बोला, लोगों का विश्वास न तोड़ा, कठिनाई के वक्त में भी उसका किसी ने साथ ना छोड़ा। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रणीति दीपक फरदार। मैं आज सुनाने वाली हूँ चींटी और एक कबूतर की कहानी। एक चींटी पेड़ पे चढ़ रही थी, वो नीचे तालाब में गिर गई और वो कबूतर ने ऐसा देख लिया और पत्ता तोड़ा और नीचे तालाब में डाला। और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया और वो कबूतर पकड़ने वाला। और उसके बाद चींटी उधर से आ रही थी, पीछे पीछे छुप के चींटी ने सब देख लिया। और उसके बाद वही कबूतर उड़ के आ रहा था, तो चींटी ने उसको बुरे तरह से काट लिया शिकारी को और जान बचाया था और दाने डाले थे। उसके बाद कबूतर उड़ के वह आ रहा था, वो एक चींटी कदम बढ़ा के आई और बुरे तरह से काट के वो कबूतर का चीखने की आवाज आई। तो देखा ये मुझे जाल में फंसाने के लिए कर रहा था। वो जल्दी से पंख हिला के उड़ गया। इसको धन्यवाद। अति सुंदर सही। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं माधव। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है दो चूहों की दोस्ती। एक बार दो चूहे थे, पर उनमें से एक गांव में रहता था और एक शहर में। एक दिन
को गांव और जब शहर वाला चूहा आया तो गांव वाले चूहे ने उसको हरे भरे खेतों की सैर करवाई और जब खाने का वक्त हुआ तब गांव वाले चूहे ने गेहूं चावल लाके परोस दिए। शहर वाले चूहे को ये खाना पसंद नहीं आया और उसने थोड़ा सा ही खाना खाकर जाने की इजाजत मांग ली। अब गांव वाला चूहा उसको छोड़ने गया शहर वाले चूहे को। शहर वाले चूहे ने बोला, अगर तुमको खाना खाना है तो मेरे यहाँ आना। अगले हफ्ते गांव वाला चूहा शहर वाले चूहे के पास गया और जैसे ही वो आया तो शहर वाले चूहे ने गांव वाले चूहे को शहर की सैर करवाई। गांव वाला चूहा गाड़ियों की भीड़भाड़ और ऊंची ऊंची इमारतें देख के चौंक गया और जब खाने का वक्त हुआ तब गांव शहर वाला चूहा गांव वाले चूहे को पिज्जा बर्गर ये सब लाके परोस दिए। गांव वाला चूहा कुछ नहीं खा पाया और उसको और तभी एक बिल्ली ने उनको देखा। वो दोनों चूहे जान बचाकर भागे और जो उनकी जान खतरे में चली गई और वो दोनों चूहे जान बचाकर भागे। गांव वाले चूहे ने बोला, इससे अच्छा तो मेरा गांव है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो जो हमको पसंद आए वो दूसरों को भी पसंद आए। धन्यवाद। वेरी गुड माधव। नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज स्मरा। मेरा नाम सोना जी, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कर्मों का फल। तो गाय थी वो जो मन में घूम रही थी, उसे उपवास दिखाई दिया तो इधर उधर भागने लगी। फिर उसे ताला दिखाई दिया तो उसमें चली गई, वहां के उसके पीछे पीछे चले गया। जाने के बाद उसे पता चला कि कार के पानी का फल उनकी चल जा रहा है। वो डाल गया तो चार चलते निकाल सकता था क्योंकि वो दोनों फंसे थे। तो गाय बोली, तुम्हारे मालिक और गुरु है? गाय बुरा थे बोला, नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, किसी की जरूरत नहीं। तो गाय बोली, तुम्हारा शक्ति तो कोई आसान नहीं है। अगर पाल तुम भी तो मेरे साथ फंसी हो। अगर पाल तुम्हारा कोई मालिक और गुरु है? उसने फिर से सो गई।
को सो रखा मैं। अभी तुम नीचे आओ, देखो क्या करना। तो वो बंदर नीचे आते हैं, वो शेर है, उसको खा गया धन्यवाद। क्लैप चिल्ड्रन। वेरी गुड टीचर। अब हमारे अगले प्रतियोगी है सैर एंड ड्रिल। Thank you.
Very good, Rahini. Now our next participant is Samar. मेरा नाम है समर। मैं आज आपको कब्बे की और एक पॉट की मटके की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक कब्बा था, उसको पानी चाहिए था। उसको उठते उठते उसको एक पॉट एक मटका मिल गया। उसमें पानी था पर उसमें थोड़ा सा ही थोड़ा एकदम थोड़ा था। उसने तो बोले पानी मिल गया। उसको एक आंटी आई तो उसको पत्थर मिल गया है और उसने पत्थर डाल दिया पॉट के अंदर डाल दिया और वह पानी थोड़ा ऊपर ऊपर आने लगा और वह पी के खुश हो गया। और ये बात सकती हूँ।
गाइड ने बोला, फिर बाघ ने बोला, अरे अरे वाह, तुमने तो सत्य बोला। अब तुम, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम घर जा सकती हो, और मैं किसी भी जानवर को नहीं खाऊंगा, और मैं सिर्फ फल और सब्जियां खाऊंगा। इस कहानी से क्या बूंद मिलती है? कभी भी झूठा नहीं बोलना चाहिए हमको, हर हर रोज सत्य बोलना चाहिए। मेरा नाम है प्रणव प्रवीण गायकवाड़। चिड़िया और तितली, एक चिड़िया एक तितली और एक तितली थी। एक दिन एक शिकारी आया, वह चिड़िया पकड़ना चाहता था। तितली का इशारा पाकर चिड़िया उड़ गई। चिपकली तितली खाना चाहती थी, चिपकली बाहर निकली और तितली पर चढ़ी। चिड़िया चिपकली पर झपटी, तितली उड़ गई, चिड़िया भी बच गई, तितली भी बच गई। तितली चिड़िया के मित्र बन गए। तभी एक सिपाही आया, उसने सिपाही को पकड़ लिया। शिक्षा, एक दूसरे की सहायता करो। मेरा नाम है तीस प्रसाद वांगड़कर। एक दिन शेर सो रहा था।
चूहा सुन लिया और चूहा ध्यान में लगा और चाली पट्टी और स्लेट निकल गया। बहुत अच्छे रूपा। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं श्रीशा। मेरे कहानी का नाम है टोपी वाला और बनियान। एक दिन बहुत पहले एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। एक दिन उस टोपियों को देखने के बाद वह काफी थक गया था। उसने थोड़ी देर के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने को कहा। उस पेड़ पर कई बंदर थे। उन्होंने देखा कि टोपी आराम कर रहा था तो उन्होंने सारे टोपी का चूज कर लिया और फिर से पेड़ पर जाके बैठ गए। जब टोपी वाले जमा तो मुझे खाली झोला देखकर बड़ा दुख हुआ। तो मैंने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। तो जानता था कि बंदर नकल करते हैं। तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी और बंदर होने की वो देखकर बंदर होने की अपने सिर पे टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां ले ली और खुले में रख दी और चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई से प्यार ज्यादा बेहतर होता है। बहुत अच्छे श्रीशा। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं ईशान मिश्रा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को Very good, Ishan. Now we enter class 1. So let's begin this class 2.